हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से देख रहे हैं कि न्यू वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे 15 हिंदी कहावत अर्थ सहित। तो आप बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, कोई अज्ञान व्यक्ति गुणवान व्यक्ति का कदर ना करे उसी वक्त कहावत कहा जाता है, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। अगला क्वेश्चन, बहुत फेमस कहावत है, खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, बहुत परिश्रम करने के बाद थोड़ा हासिल होना, तभी बोलते हैं खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया। अगला क्वेश्चन, एक और मस्त कहावत आ गया, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, आसानी से मिलने वाली चीज की आदर ना करना, उस वक्त बोला जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला क्वेश्चन, बहुत सुंदर कहावत है, आ बैल मुझे मार। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, अपने आप पे मुसीबत मोड़ लेना, इसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। अगला क्वेश्चन, बहुत ही मशहूर कहावत है, भैंस के आगे बीम बजाना और भैंस करे पकुराई। इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें बताना और वो ना समझे, तब यह कहावत बोला जाता है, भैंस के आगे बीम बजाना और भैंस करे पकुराई। अगला क्वेश्चन, एक और मस्त कहावत है, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। बताओ कहावत का अर्थ क्या है। दोस्तों इस चैनल पे हर दिन एक न्यू वीडियो आता रहता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका अर्थ हो जाएगा, कार्य ना करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना, इसे बोलते हैं ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। अगला क्वेश्चन, यह कहावत आप जानते ही होंगे, घर का भेदी लंका ढाए। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, आपस की फूट से अपना ही सर्वनाश होता है, इसलिए बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन कहावत आ गया, सावन सुखा ना भादो हरा। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, सदा एक ही दशा में रहना, नहीं बोलते हैं एक ही जैसा हमेशा रहता है, तब बोला जाता है सावन सुखा ना भादो हरा। अगला क्वेश्चन, एकदम सुपर हिट कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन ना गया। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, पूरा नष्ट होने के बाद भी घमंड को ना जाना, तब ये कहावत बोला जाता है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन ना गया। अगला क्वेश्चन, बहुत सुंदर कहावत है, भगवान के घर देर होती लेकिन अंधेर नहीं होती। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, किसी को हौसला देना, तब ये बोलते हैं भगवान की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगला क्वेश्चन, एकदम मजेदार कहावत है, देखो ऊंट किस करवट बैठा है। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, किसी व्यक्ति को काम बताएं और वह कर ना सके और करे भी तो उल्टा पुल्टा करे और जाकर बैठ जाए, तब ये कहावत बोला जाता है, देखो ऊंट किस करवट बैठा है। एक और फनी कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, किसी भी जीव को चाहे कितना भी समझाओ वह अपना वाला ही करेगा, तब यह कहावत बोला जाता है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक और बेहतरीन कहावत आ गया, गड़े मुर्दा मत उखाड़ो। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा, बीती हुई बात याद दिलाना, तब यह कहावत बोला जाता है, गड़े मुर्दा मत उखाड़ो। अगला क्वेश्चन, एक और फेमस कहावत है, नाचे के लूरे ना अंगनवे टेहवा। बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है।
इसका अर्थ हो जाएगा अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। इसे बोलते हैं नाचे के लूरना अंगनवे टेढ़वा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ध्यान देना, इंटरेस्टिंग कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन बताओ, इस कहावत का अर्थ क्या है? दोस्तों दिमाग लगाएं और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।